सोमवार शाम को भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया, जिसके बाद सबसे ज़्यादा दुखी टिकटॉक यूजर्स हैं। सरकार के इस फैसले पर टिकटॉक यूजर्स के तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें एक मोहतरमा सारे टिकटॉक यूजर्स से देश छोड़कर विदेश जाने की अपील कर रही है। वहीं मोहतरमा ने दुखी मन से कहा है कि अब लोग उन्हें कॉल करके मजे ले रहे हैं, टिकटॉक यो कैसे हो। वहीं टिकटॉकर्स को छोड़कर बाकी लोग सरकार के इस फैसले से काफ़ी खुश नजर आए। लोगों का कहना है कि तिल्ली के जैसे शरीर वाले लौंडे जो बालों में जेल लगाकर मोर बने हुए थे, वो अब सभी सही ट्रैक पे आ जाएंगे। इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है बीजेपी के तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने। इस वीडियो के नीचे काफ़ी फनी कमेंट्स हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। रिसेंटली देखा न्यूज़ चैनल्स पे दैट टिकटॉक बंद हो रहा है एंड सारे ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं सब वीडियो बना के डाल रहे हैं दैट टिकटॉक बंद हो रहा है। तो यस, मैंने भी देखा वो चीज़, तो मैंने सोचा दैट मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूँ। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज़ ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज़ की चीज़ें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर, तो व्हाट इज़ दिस। तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा, अभी इससे क्या हो जाएगा, या जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप लोग टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स, तो व्हाट इज़ दिस। मतलब अभी क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ, वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला, तो ठीक है डन है। इस वीडियो पे कमेंट करते हुए एक यूजर्स ने लिखा है, अगर कंट्री के बाहर जाने की औकात होती तो टिकटॉक ये ना होते। वहीं एक अन्य यूजर्स ने लिखा है, इसकी बातें मुझे समझ नहीं आई, टिकटॉकर्स फॉरेन कंट्री चले जाएंगे। आदित्य सिंह लिखते हैं, गवर्नमेंट शुड कीप ए चेक ऑन टिकटॉकर्स, पता तो चले कितने टिकटॉकर्स फॉरेन जाने वाले हैं इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने के बाद। टिकटॉकर्स को सांत्वना देने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।